शहर के बीचों बीच झोसांगड़ी इलाके में अचानक लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। आग कबाड़ के गोदाम में लगी, जहां रखे लाखों के प्लास्टिक और स्क्रैप जलकर खाक हो गए। हालांकि आग लगने की वजहों का अब तक पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन आसपास के लोग आग की वजह शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह कबाड़ का गोदाम है वह बेहद ही रिहायशी इलाका है, लिहाजा जैसे ही स्थानीय लोगों ने धुएं का गुबार उठता देखा फौरन ही दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। आग की खबर मिलते ही फायर कर्मियों ने भी बिना देर किए हालात पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गए और थोड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बहरहाल इस घटना में किसी को भी हताहत या जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। कबाड़ का गोदाम विनोद चौहान नामक व्यवसायी का बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने के कारणों के पड़ताल में जुटी हुई है। शॉर्ट सर्किट या कोई पटाखे वगैरह का चिंगारी जाने के कारण यह आग लगी है। मोहल्ला में धुआं से पता चला कि भीषण आग लग चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा दो दो फायर ब्रिगेड गाड़ी भिजवाया गया है, लेकिन अभी तक आग पर काबू न पा चुका है। फिर से पुनः तीसरा गाड़ी का डिमांड किया। सदर हॉस्पिटल वाला रोड में कबाड़ी के दुकान में आग लगी है। शायद उनका विनोद चौहान नाम है। सूचना मिलने के साथ ही हम दो गाड़ी के साथ तुरंत घटनास्थल पर उपस्थित होकर के आग को बुझाना शुरू कर दिए हैं। आग नियंत्रण में है, कुछ समय में आग पूर्ण रूप से बुझा दी जाएगी। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। एशियन 24 के लिए आफ्रिन निदा के साथ पिंटू सिंह की रिपोर्ट।